एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग। और काफी टाइम बाद हम जा रहे हैं एक मॉर्निंग राइड पे। बाकी राइट साइड हमारे कुछ मेहमान आए हुए हैं, मिलाते हैं हम उनसे थोड़ी देर में आपको। आप देख सकते हो टीआरके चल रही है लगेज के साथ प्रॉपर। जबरदस्त मौसम हो रहा है, एकदम चिल्ड। मैंने ग्लव्स नहीं पहने, मैंने कहा थोड़ा वार्म अप हो जाए हाथों का, उसके बाद ग्लव्स पहने जाएं। वार्म अप की जगह थोड़ा सा कोल्ड अप हो गया। हाथ जम गए मेरे, ऐसा लग रहा है। बाकी आज हमजा भाई मुझे लग रहा है दिल्ली निकल रहे हैं, और हम लोग भी चल रहे हैं एक्सप्रेस वे। बाइक वाइक भगाएंगे। पास दोनों 1000 आ चुकी हैं आमने सामने, घुमा लेते हैं इधर और भगा उगा के देखते हैं थोड़ा साथ में। ट्रैक्शन कर दिया है ऑफ, है स्लिक मोड में, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ 1000 RR। तो अभी यहाँ पे दोनों बाइक्स खड़ी हैं, आप देख सकते हो रेड ब्यूटी खड़ी है और अपनी कार्बन 1000 तो खड़ी ही है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है दोनों ही बाइक्स, बहुत ही खूबसूरत लग रही है जिस तरह से धूप पड़ रही है, और कार्बन क्या दिख रहा है ज़बरदस्त। तो डेफिनेटली अगर आपको ये वाला बैटल देखना है, ये चीज़ देखनी है दोनों बाइक के साथ में कंपैरिजन, तो ढेर सारे भर भर के लाइक्स कर दो। उस वाली बाइक का टायर एंड ऑल चेंज हो जाए उसके बाद हम ये वाला वीडियो शूट करने वाले हैं प्रॉपर। एंड आई नो अंदर से आप लोग खुश तो बहुत हो गए, मुझे पता है, बट ठीक है। अभी आप देख लो अक्रापोविच फुल सिस्टम। बाकी और स्पेसिफिकेशंस की क्या ही बात करें, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही, साउंड भी एकदम सेम ही कर रही हैं, कोई ऐसा जितना डिफरेंस है नहीं साउंड में। बाकी अभी भी ये उतना ही टाइम लेती है मीटर खुलने में, BMW बड़ा लेट करती है ये काम यार। गाड़ी स्टार्ट हो जाती है बट मीटर खुलने में उतना ही टाइम लगता है। खतरनाक, इसकी आवाज़ भी सुनाते हैं। आवाज़ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल आ रही, साथ में चलती है तो बिल्कुल डिफरेंस फील नहीं होता। अगर आप 10R और 1000 में देखोगे तो आवाज़ पता चलती थी डिफरेंस, बट इन बाइक्स में इतना डिफरेंस लगी नहीं। ऐसा लग रहा है इंजन अंदर से सेम ही बनाया है पूरा। हमें लगता है सेम एग्जॉस्ट डाल दो तो आवाज़ ही अंतर नहीं रहेगा, है ना, एकदम सेम आवाज़ कर रही है। तो ये तो आवाज़ सुना दी आपको। आज ऐसे हम लोग सुबह सुबह राइड पे निकले थे, बहुत टाइम बाद, मतलब नींद ही नहीं खुलती है, 2 घंटा सो के निकल गए। फिर ऋषि का फ़ोन आया तब उठे, फिर ऋषि ने कहा टाइम लगे, फिर दोबारा सो जाऊँ मस्त। क्या मज़ा आ रही है खींचने में, वॉस बहुत ही अलग मज़ा आ रही है भगाने में। इसमें और कुछ बचा लगवाने वाला? अब सब हो गया, पंख लगवा लो इसमें, है ना, उड़ने के लिए। उड़ जाती है ऐसे ही वो। सुनो पीछे कुछ रखे तो नहीं हो? क्या पीछे कुछ रखे तो नहीं हो? ठीक है। टाइम आ चुका है ऋषि को बाय बाय कहने का। बाय बाय ऋषि, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके बहुत दिन बाद। कुछ कहा था स्क्रिप्ट वाला? अरे यार स्क्रिप्ट यार भूल गया हूँ, आगे क्या डायलॉग क्या था अगला? अबे लोग मुझे जानते ही नहीं है यार, मैं कौन हूँ? तुमको नहीं जानते, तुमको तो पहले से जानते हैं लोग जब 1000 सब्सक्राइबर थे। नहीं यार तब ठीक है। चलो भाई राइड सेफ, चलो भाई बाय बाय, ड्राइव सेफ। बस मुर्तजा भाई जा रहे हैं हमें छोड़ के, मुस्तफ़ा भाई। चलो यार मिलते हैं, आराम जाना। अबे भैया ऋषि, ऋषि लेके उसको उधर जाओ, रुको हम पीछे का सीट रहे हैं। कुछ है नहीं पकड़ने के लिए, पैरों से कुछ नहीं होता भाई, पहुंच इसकी हाइट कहीं और लग गई है। तो भैया अभी सीन यही है, और अभी इस वाली 1000 का जो टायर है उसके काम थोड़ा सा लगा हुआ है, उसके धागे खोल दिए, और इसलिए अभी थोड़े दिन में टायर आ जाएगा, तब साथ साथ में और ज़्यादा भगाने वाले हैं हम लोग। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं उधर वापस।
रिएक्शन दे रहे हैं बच्चे। तो अभी बस घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं हम लोग, घर निकला जा रहा है बढ़िया, और बढ़िया राइड थी, थोड़ी सी भूख लगी, कुछ खाए पियेंगे एंड उसके बाद वाला वीडियो एंड करेंगे। आई होप आपको S1000 भागते हुए देख के मजा आया होगा कुछ। और आज एक हायाबूसा लाए हम और अपने भैया की बूसा है Gen 3 वाली, और अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है, राइड पे भी नहीं गए हम लोग साथ में, तो अभी थोड़ा प्लान व्लान करते हैं राइड वाइड पे जाने का। बाकी Gen 3 बूसा है जो सबसे लेटेस्ट है, भैया की फर्स्ट हायाबूसा, भैया नहीं ली थी हैं? नहीं सही बताइए। अच्छा तो बाकी इसमें लगे हैं आप देख सकते हो 2 Brothers Racing TBR लगे हैं, सिल्वर सीरीज है, और ये स्लिप ऑन एग्जॉस्ट है। बाकी डिटेल्स नीतीश भैया बताएंगे इसके बारे में, बताइए भैया। ये जो एग्जॉस्ट है जो स्टॉक वाले होते हैं, जब उसको हटाते हैं इसको लगा दे तो गाड़ी मार थोड़ी सी बढ़ जाती है, हल्का बेस बढ़ जाता है ना, BHP बढ़ जाती है, माइलेज कम हो जाती है, माइलेज थोड़ी सी कम हो जाती है। अच्छा एक बात हम लोग को समझ में नहीं आई आज तक, लोग कहते हैं एग्जॉस्ट लगाने से माइलेज कम हो जाता है, क्या कहना आपका, आप तो यूजर है। मुझे लगता है फुल सिस्टम लगाने पे ज्यादा असर पड़ता है ना। हाँ, मतलब इससे थोड़ा सा ही, हाँ बहुत थोड़ा बहुत। तो इस बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे हम और रोहित भाई। देखिए ऐसा है, आपका क्या कहना पहले बताइए। आवाज बहुत अच्छी है, आवाज तो अच्छी है, लेकिन क्या एग्जॉस्ट लगाने से माइलेज कम होता है? थोड़ा डिफरेंस आता है, बैक प्रेशर कम। हाँ कैसे बैक प्रेशर कम होता है? आपको शादी आनी है, पहले वाली शादी हो गई आपकी? नीतीश भैया बाइक से एकदम पर्सनल चले गए। अगर हो गई होगी तो नहीं कम होगा, इसके बारे में बताता हूँ, अगर नहीं हुई होगी तो कम होगा। हाँ तो आपका एवरेज नहीं कम होगा, इसका एक रीजन है। देखिए अब होता क्या है, जब आप स्टॉक बाइक चला रहे होते हैं तो आप जैसे कि किसी भी कॉलेज के बाहर बाहर से निकलते हैं, बाइक में साउंड बिल्कुल नहीं होता, तो आप कर नहीं पाते ना, लेकिन जब आपकी बाइक में लगे होते हैं एग्जॉस्ट तो क्या होता है ना, कोई बढ़िया ना देगा बुम बुम। तो अभी आप एक नॉर्मल स्टॉक पे जा रहे हैं और एक बुम बुम कर रहे हैं तो पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि लोग कहते हैं ना एग्जॉस्ट लगाने से एवरेज, एग्जॉस्ट लगाने से नहीं, एग्जॉस्ट लगाने के बाद वो पता चला कोई बाइक वाला जा रहा है, सुनिए कोई बाइक वाला जा रहा है, जब स्टॉक बाइक है भाई कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन जब देखा अगर बगल में कोई नौटंकी कर रहा है एग्जॉस्ट लगा बस तेरी बुम बुम, तो जब भाई ज्यादा बुम बुम तो ज्यादा पेट्रोल, तो ये सबसे बड़ा रीजन नहीं, मुझे ये भी लगता है फुल सिस्टम पे ज्यादा चेंज होता है, फुल सिस्टम से थोड़ा। हाँ लेकिन बाकी स्लिप ऑन से इतना ज्यादा नहीं होता होगा, इसके जो स्टॉक है उसके अंदर भी कैट होगा। हाँ अब जब ये एग्जॉस्ट फ्री फ्लो हो गया, हाँ कैट के अंदर होता है, जब ये एग्जॉस्ट जो लगे होंगे तो रोहित भाई ने अपने दोस्तों को भी कहा होगा ये देखो आज मैं जब यूं करा तो पेट्रोल ज्यादा और स्टॉक बाएंगे फिर क्या दिखाएंगे भाई, तो बस ये बहुत बड़ा रीजन है। आवाज सुना दी भैया इसकी, भाई जितना ज्यादा बुम बुम ज्यादा दे, इन्हें तो एग्जॉस्ट बेचने, ये तो कहेंगे माइलेज बढ़ जाती है। अंदर की बात बता, स्टार्ट कर दीजिए। सुन लो पहले आप लोग, और हाँ मतलब बड़ा ही कंफर्टेबल, अगर आप क्रूज भी करोगे 100, 130, 140 पे भी तो बिल्कुल भी आवाज चुभने नहीं वाली है, हाँ बहुत बैलेंस आवाज आ रही है। जबरदस्त जबरदस्त है ना हायाबूसा पे, ऐसी बेस हैवी आवाज ही अच्छी लगती है क्योंकि बाइक अब काफी बड़ी है, तो ऐसी आवाज इस पे ज्यादा सूट करती है, और इसमें 2 एग्जॉस्ट लगते ही लगते हैं तो इसलिए बहुत ज्यादा लाउड भी नहीं आती, जो 4:1 करते हैं तब ये बहुत लाउड होती है। हायाबूसा ऊपर लग चुकी है कुछ काम के लिए, इसमें कुछ प्रोसेस होने वाला है एक्चुअली, इसको गाड़ी को बाहर जाना है, तो जो भी लेमिनेशन और स्लाइडर्स का काम जो भी है वो सब होने वाला है। बाकी अगर आपको एग्जॉस्ट चाहिए तो आप डेफिनेटली रेस डायनेमिक्स से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है। बाकी जो लखनऊ से बेस्ट रहता है कि आप आके खुद से बात कर लो देख लो, वो ज़्यादा बेटर रहता है,
हाँ, बाकी 10% डिस्काउंट का यहाँ पे कोड डिस्प्ले हो रहा है, आप वो यूज़ कर सकते हो। और फिलहाल अभी बाइक्स भी हैं यहाँ पे काफ़ी, जिस कैटेगरी में भी आपको चाहिए हर एक कैटेगरी मिलेगी आपको इस टाइम। हाँ ये काम सही है। सुजुकी ने इंजन में चेंजेस किए हैं, कुछ चेंजेस करे गए हैं बढ़िया, लो एंड थोड़ा और ज़्यादा बेटर है उसका। ये तो भाई मिड से टॉप एंड तक एकदम खतरनाक भागती है। बाकी टेनार भी खड़ी है अभी भैया, M4 वाली, शिवम वाली। ऑलमोस्ट सेम ही साउंड कर रहे हैं ना, हाँ नहीं ये तो अंदर अभी खड़ी है इसलिए। यार वो BS4 है।